हेलो दोस्तों, कैसे हालचाल है आपके। उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं। आज के व्लॉग में हम फिर से वही चीज़ें करेंगे जो मैंने हेयर देयर 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 शूट किया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। बट मैं यहाँ पे आई हूँ अपडेट देने के लिए। लास्ट व्लॉग में हमने हमारे नेबर्स के बारे में बात की थी और मैंने आप लोगों से आपके विचार पूछे थे। बहुत सारे दोस्तों ने बहुत अच्छे विचार दिए हैं। ज़्यादातर दोस्तों ने कहा है कि वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और आपको भी और रिटर्न करना चाहिए फेवर। सो थैंक यू। राइट, सो कई बार मैं उनके घर गई हूँ चीज़ें देने के लिए, लाइक दिवाली वाले दिन मिठाई देने के लिए या क्रिसमस पे कुछ देने के लिए, पर मैं हमेशा उनको हाथ में पकड़ाती हूँ चीज़ें, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे डोर पे रख दें। और यस, मैंने ऐसे किया है, पर उनको नॉक करके उनको हैंड ओवर किया है। और दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाइनीज़ लोगों का ऐसा ट्रेडिशन है कि वो बाहर चीज़ें रख के चले जाते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई पर्टिकुलर लोग ऐसे करते हैं कि चाइनीज़ लोग ऐसे ही करते हैं, ऐसा नहीं होता है कि सभी लोगों के ये चीज़ तो कॉमन है कि जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उनके हैंड्स में देते हैं, उनको ग्रीट करके देते हैं। ऐसे कोई भी नहीं करता है, लाइक दिस इज़ नॉट अ गुड आइडिया। बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि वो शायद इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। मे भी ऐसा हो सकता है, बट वो जो चीज़ें देते हैं वो कोई ज़्यादा स्पेशल नहीं होती हैं। लाइक कोई कहता है कि तुम बस फूड को एंजॉय करो और चिंता मत करो, ज़्यादातर उसमें सिर्फ फ्रूट्स होते हैं, लाइक दो ऑरेंज होंगे, एक एप्पल होगा। उस दिन वाले बैग में भी दो ऑरेंज थे, एक एवोकाडो था और एक पैकेट केक था छोटू सा। लाइक ऐसे कोई स्पेशल अपने हैंडमेड मील नहीं देते हैं, वो सिर्फ फ्रूट्स ही देते हैं। लाइक एक संतरा दे देंगे, एक सेब दे देंगे, मुझे सही नहीं लगता। ऐसे अगर एक बार उन्होंने मुझे कहा था कि मैं एक स्पेशल चीज़ को करती हूँ, वो मैं आपको दूंगी, वो शायद किसी व्लॉग में भी होगा। मैंने कहा कि यह शॉर देना, तो उस दिन उन्होंने वो चीज़ें जो मुझे दी थी मेरे हैंड्स में दी थी और हमने वो ट्राई भी खाई भी थी। अदरवाइज़ मैं खाने के लिए मुझे नहीं सही लगता। जब भी मैं उनको मिलूंगी, ऐसे मैं उनके घर स्पेशल नहीं जाने वाली हूँ, पर जब भी बाहर मैं उन्हें मिलूंगी तो मैं इस बार कह दूंगी या फिर नोट डाल दूंगी कि अगर आपको मुझे कुछ देना है तो प्लीज़ दरवाज़ा नॉक करें, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ आपके लिए। हैंग करना हमारे ट्रेडिशन में अच्छा नहीं समझा, ऐसा कुछ भी यू नो बोल दूंगी मैं। अपडेट्स। मैं इतना तैयार होकर इसलिए बैठी हूँ क्योंकि मैं कोशिश कर रही थी वीडियो शूट करने की मेरे फेवरेट फॉल आउटफिट्स, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं फॉल आउटफिट्स, पर वो वीडियो मुझे अच्छी नहीं लगी। सो एक दो आउटफिट मैंने चेंज किए तो मैंने सोचा कि मैं स्किप कर देती हूँ, व्लॉग ही कर लेती हूँ। वो मैंने स्किप कर दिया है अब। एंड आज मैं कुक करने वाली हूँ राजमा। बहुत समय हो गया जब मैं राजमा भिगो रही थी, हिम्मत बहुत खुश हो गया था कि ओ मामी यू कुकिंग राजमा, आई लव यू सो मच। सो दैट्स दैट। कल मैं नर्सरी गई थी, पॉट्स लेके आई हूँ। जो मैं पहले प्लांट्स लेके आई थी हैवी वाले, उनको मैं चाहती थी सिरेमिक हैवी पॉट्स में रखना। सो यस, कल मैंने ये किया है। हिम्मत की क्लास चल रही है और आज मेरे हस्बैंड को भी किसी ज़रूरी काम से जल्दी आना था, तो वो हिम्मत को देखने वाले हैं। और मैं जा रही हूँ नर्सरी जल्दी से क्योंकि मुझे बहुत सारे प्लांट्स के लिए पॉट्स चाहिए। मेरे हस्बैंड की शर्ट पहनी है मैंने क्यों पहनी है, क्योंकि जो मैंने डेनिम पहनी है ये उसके साथ मैच करती है और आज हस्बैंड ने यही पहनी थी। सो मैंने सोचा कि मैं भी यही पहन लेती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लूज एंड कम्फी कपड़े पहनना। विदाउट फर्दर ड्यू जल्दी से चलते हैं और जिस चीज़ से मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है वो काम करते हैं, शॉपिंग एंड प्लांट्स के लिए। और मैं अपना फ़ोन भूल गई हूँ और जल्दी से मैं वापस आती हूँ उसको लेके, एंड देन हम हमारा सफ़र जारी करेंगे। और वैसे बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, मुझे पास ही है, बट यस आई विल बी बैक। ऑलराइट, आई एम बैक। अब हम चलेंगे। ओके दोस्तों, तो हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। मैं बालों को डाई करने वाली हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा विंडी है, आप सोच भी नहीं सकते। अगर मैं थोड़ी सी पतली होती तो शायद उड़ जाती, पर आज नहीं उड़ूंगी। तो यहाँ पौधों के साथ समा बिताया जाएगा और आपको भी दिखाएंगे कि क्या है, क्या क्या है इनके पास। मुझे लगता नहीं कि अब इनके पास इनडोर प्लांट्स की बहुत ज़्यादा बड़ी कलेक्शन होगी क्योंकि सीजन खत्म हो रहा है, पर आई कैन सी सम। आई होप कि उन्होंने कोई अच्छी सी सेल लगाई हो कि यू नो मेरे वर्गियाँ ली, क्योंकि इंडोर प्लांट्स बहुत महंगे आते हैं अगर आप खरीदने के लिए जाएं तो। और आज जो मेरा कैमरा मैं कैरी करने वाली हूँ ये भी ना ओ है, लाइक बड़ा है, छोटा नहीं है। सो यस, लेट्स गो गाइस, लेट्स सी। और अगर आप जानना चाहते हैं मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं, उसकी मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, जो वीडियो मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, पर उसके व्यूज़ इतने ज़्यादा नहीं है, पता नहीं क्यों। रिक्वेस्टेड सबसे ज़्यादा थी पर देखने वाले फिर भी कम, आई डोंट नो क्यों। और आप देख सकते हैं उसको, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। एक और वीडियो की रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आती है, वो मेरी जीन्स की कलेक्शन। वो मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत सारी जीन्स जो मैं आजकल पहन नहीं पाती हूँ, लाइक टाइट हो गई हैं या मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। कल मैंने काफ़ी सारी
जीन्स खरीदी हैं लाइक 5-6 और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं और होपफुली वो पैकेज एक दो दिन में आ जाएगा. जब वो आ जाएगा तो फिर मैं आपको मेरी फेवरेट जीन्स दिखाऊंगी. आई होप कि वो फिटिंग अच्छी हो. पता नहीं मुझे आजकल जो जीन्स अच्छी लगती हैं वो है बहुत ही ज़्यादा यू नो लूज किस्म की जीन्स, जो बॉयफ्रेंड जीन्स, डैडी जीन्स, मॉमी जीन्स, सो ऐसी किस्म की जीन्स ली हैं मैंने. अब देखना पड़ेगा अगर फिटिंग अच्छी आएगी तो भी आपके साथ शेयर कर पाऊंगी, नहीं तो फिर वापस भेजना पड़ेगा और बहुत काम. ओके गाइस 6 बजे ये बंद हो जाएगी सो चलते हैं. ऑलराइट दोस्तों, तो नर्सरी कुछ इस तरह की है. यहाँ पे बहुत किस्म के प्लांटर्स आपको मिल जाएंगे, डेकोरेटिव, सिंपल, क्ले के, टेराकोटा प्लांटर्स. और पर यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें महंगी ही होती हैं, पर बहुत सारे टेराकोटा के प्लांटर्स मैंने यहाँ से ख़रीदे हैं. इनके पास अच्छी साइज़ की सिलेक्शन है, आप देख सकते हैं, छोटे बड़े, बहुत छोटे और बहुत बड़े भी हैं. और टेराकोटा प्लांटर्स का प्राइस यहाँ पे ठीक है. और यहाँ पे इन्होंने ऐसे प्लांट्स को प्लांटर्स में अरेंज करके भी रखा है, लाइक 2-3 डिफरेंट काइंड के, और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं. या नहीं, और अब हम जाएंगे बाहर, क्योंकि बाहर क्ले के पॉट्स होते हैं जो कि लेने के लिए हम आए हैं. मैं चाहती थी कि अच्छा ऑफ वाला मुझे मिल जाए, किसी पे ऑफ हो तो, क्योंकि रेगुलर प्राइसेस में ये क्ले पॉट काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं. लाइक 50 का है गुड साइज़ का, जो सबसे बड़ा है आई थिंक वो 70 और 80 डॉलर्स में है. ऑल राइट, फार फार अवे मैं देख सकती हूँ कि यहाँ पे एक कोना है जहाँ पे 30% ऑफ लगा है इन पॉट्स पे. और ये मेरी किस्म के हैं, सिंपल हैं और सस्ते हैं, और इन्हीं में से हम 2-3 पिक कर लेंगे जो मुझे चाहिए. प्लांटर लेने के बाद अंदर जाएंगे हम, घूमेंगे थोड़ा. इन्होंने अच्छी हैलोवीन डेकोरेशन आइटम्स भी हैं आउटडोर और इंडोर के लिए. सो इंडोर प्लांट्स यहाँ पे अच्छे हैं, पर मोस्टली वही वाले हैं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं. और अगर कोई वैसा प्लांट है जो मैं लेना चाहती हूँ, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लाइक पत्ते ख़राब हो रहे थे क्योंकि टेम्परेचर नीचे जा रहा है. तो ZZ प्लांट भी मैंने इस नर्सरी में पहली बार देखा. और अब हम हमारी ट्रॉली को यहाँ पे खड़ा करेंगे और ऐसे घूम लेंगे, अगर कोई अच्छा लगेगा तो ले लेंगे, या नहीं. ओके, ये वाला प्लांट मैं लेना चाहती थी पर ये बहुत हेल्दी नहीं थे. अगर आप प्लांट पे पैसे स्पेंड कर रहे हैं तो मेक श्योर करें कि जो भी लेते हैं हेल्दी हो. ये सकुलेंट देखिए, इसका प्राइस सिर्फ $10 है और इसका साइज़ कितना ज़्यादा अच्छा है, पर हम लोग ने नहीं लिया क्योंकि बहुत सारे सकुलेंट्स मैंने मारे हैं पिछले जन्मों में. सो मैं अब नहीं लेना चाहती थी, सो नहीं लिया है मैंने. और अब हम थोड़ा सा रोम अराउंड करेंगे, देन वी आर डन विद द नर्सरी शॉपिंग. सो मैंने बेसिकली क्या लिया है, सिर्फ 3 प्लांटर्स. ओह माय गॉड, आई एम बैक. बाहर इतना ज़्यादा विंडी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको दिख ही गया होगा. जो प्लांट्स मुझे अच्छे लगते हैं, लाइक मैं लेना चाहती हूँ, लाइक वो यूनिक से दिखने वाले पत्ते, उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी. तो हम लोग सक्सेस हो गए हमें अपने आप पे कंट्रोल करने में कि नहीं लेना हमें. जो गर्ल कैशियर थी उसने मुझे कहा कि हर एक जो 30% ऑफ है उस पर येलो स्टिकर लगा है और तुम्हारे 2 प्लांटर्स पे लगा नहीं है, तो मे बी ये सेल पे नहीं है. मैंने कहा कि मैंने उसी आयल से लिया है जहाँ पे 30% ऑफ है और वहाँ पे ऐसे और भी बहुत सारे हैं. शी सेड कि शो मी. मैंने कहा कि ओके आ जाओ दिखा देती हूँ तुम्हें. कह रही ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें ट्रस्ट नहीं करती हूँ, आई ट्रस्ट यू बट दैट्स माई ड्यूटी. मैं कह कि यार इट्स ओके कम. सो हाफ वे हम पहुँचे थे और शी सेड ओके लीव इट. या 30% ऑफ पे मुझे मिले हैं पर फिर भी बहुत महंगे ही आए हैं, क्योंकि कितने दे आए, 65 के आए हैं 3 गमले. इन्ने मन लगा प्लांट नहीं महंगे जितने गमले महंगे आ गए. लेट्स गो गाइस, लेट्स गो. ओके दोस्तों, सो मैं आ चुकी हूँ KFC हिम्मत के लिए चिकन पॉपकॉर्न पिक करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. I'm
you my shot like a free throw. Young boy, and I'm pulling the free hoes. Spawn this shit, yeah, she knows. That's why these hoes blow my ego. No one ain't sick cause I get hoes. I got niggas that empty and reload. Got a key cause the streets cold. My young boy keep a pissing like deep rolls. सो आज मैंने प्लांट्स को पॉट्स में ट्रांसफर किया क्योंकि बाहर आज बहुत अच्छा वार्म सा मौसम था, तो मैंने बाहर बैठ के ये काम किया है। मैंने स्नेक प्लांट को इसमें किया है क्योंकि मैं स्नेक प्लांट के लिए लंबा सा चाहती थी। जो मेरे पास पहले था उसमें बहुत ज़्यादा एरिया कवर किया था और प्लांट उसमें खूबसूरत नहीं दिख रहा था, पर इस शेप में ये अच्छा एंड खूबसूरत दिख रहा है। सो मैंने इसमें कर दिया है इसको चेंज। ये स्नेक प्लांट के लीव्स को सभी सिंगल लीव्स हैं क्योंकि मैंने पिछली बार सारे सिंगल कर दिए थे, और इन सारों को सीधा रखना काफ़ी समय मैंने इस पर स्पेंड किया इसको मैनेज करने में। उसके बाद ऐसा ही पॉट वो है जो मैं लेके आई थी, उसमें मैंने पीस लिली लगा लिया क्योंकि जो पीस लिली के लिए मैं यूज़ कर रही थी उसका बहुत ज़्यादा बड़ा था प्लांट, बहुत ज़्यादा बड़ा प्लांटर था वो इसके लिए। सो ये इतना मुझे खुश नहीं लग रहा था उसके साथ। अभी मैंने इसको चेंज किया है तो मुझे ये उससे ज़्यादा थोड़ा खुश लग रहा है। बाकी आने वाले दिनों में थोड़ा ज़्यादा बेटर होता जाएगा। और उसके बाद मैंने ये यूका को भी किया है, ये तो आपने देख ही दिखाई दिया मैंने, और अब ये काफी अच्छा स्टेबल हो गया है, अदरवाइज उसमें बहुत मूव करता था। इसको भी निकाल के चेंज करना बहुत मुश्किल था क्योंकि ये बहुत प्लांट हैवी है और उसमें से निकाला नहीं जा रहा था मुझे। या तो मेरे हस्बैंड की वेट करती कि आके वो मेरी हेल्प कर दे, फिर मैंने अदरवाइज क्या कर लिया कि वो प्लांटर, वो देख सकते हैं आपको, उसको मैंने काट दिया लाइक नाइफ के साथ और बड़ी मुश्किल से निकाल के इसमें डाल दिया है। अब ये अच्छे स्टडी हैं, थोड़ा समय लगेगा इसको इस प्लांटर में खुश होने के लिए, पर या दैट्स दैट। और तो या ये है प्लांट इन्फॉर्मेशन आज के लिए। ओके दोस्तों, आजकल क्या हो रहा है कि एक्चुअली मैंने बाल बहुत ज़्यादा टाइट बांध ली है। ओके दोस्तों, सो आजकल क्या हो रहा है कि मैं व्लॉग ऑलमोस्ट एवरी डे शूट करती हूँ एंड एडिट नहीं कर पाती हूँ बिकॉज वी आर शेयरिंग लैपटॉप में आर हिम्मत की अभी भी आईपैड का कुछ पता नहीं चला कि कब मिलेगा उसे, होपफुली ये कमिंग वीक में आ जाएगा। एंड दूसरी चीज़ है जिसकी वजह से मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ, जब मैं एडिट नहीं कर पाती हूँ तो जो जो मैंने फुटेज लाइक व्लॉग शूट करके रखे मुझे भूल जाता है कि कौन से दिन मैंने क्या रखा था। इतना कन्फ्यूजिंग हो जाता है कि ये उस दिन की है, तो फिर मेरे दिमाग में काला माला हो जाता है, तो ऐसे ही फिर मैं डिलीट कर देती हूँ उसको कि यार मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्या अपलोड करूँ क्या नहीं। सो बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। अगर मैं व्लॉग को एवरी डे अपलोड करना चाहती हूँ तो मुझे फिर देर तक जागना पड़ेगा। अब हिम्मत ने लैपटॉप से फिनिश किया है, समय हो रहा है 3। अब मैं उसे खिलाऊंगी, कुछ खुद खाऊंगी और आलतू फालतू काम करूंगी या डिनर कुक करने की तैयारी में होंगी, और फिर हम हस्बैंड आ जाएंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर मैं डिनर खिलाऊंगी उनको, और फिर ऐसे ऐसे मेरे 8-9 बज जाएंगे और फिर मैं किचन को क्लीन करूंगी। किचन को क्लीन करने के बाद समय हो जाता है 10-11 बज जाते हैं, फिर मैं एडिट करने के लिए बैठूं, बहुत कम एनर्जी होती है उस समय मेरे पास। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि शुरू कर लूँ एडिट करना, कि कल थोड़ा कर लूँगी फिर अगले दिन। और जब आप एडिट करते हैं मेरी कोशिश होती है कि एक ही बार में सारा एडिट हो जाए, लाइक एक ही सिटिंग में, बेशक वो 2-4 घंटे लगे, 5 लगे, 6 लगे, क्योंकि फिर आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है उस व्लॉग से। और आपको पता है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे व्लॉग एंटरटेनिंग हो, अच्छी एडिटिंग करूँ मैं, ऐसे बस फालतू नहीं करना चाहती हूँ मैं। फिर मेरा इंटरेस्ट उससे ख़त्म हो जाता है, फिर मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर लेती हूँ। सो इस वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रही है मुझे और काम में देरी हो रही है, इसलिए मैं ज़्यादा व्लॉग्स अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। या होपफुली सारा कुछ सही हो जाएगा और मैं व्लॉग्स तो बहुत ज़्यादा अपलोड करना चाहती हूँ, और बहुत सारे दोस्त भी कहते रहते हैं कि उनको मेरे व्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं और मैं ज़्यादा अपलोड करूँ, पर या आजकल यही चल रहा है। और मुझे अब गर्मी लग रही है, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ, देन आई विल टॉक टू यू गाइस, आई विल बी बैक। और हे दोस्तों, आई एम बैक एंड आई एम फीलिंग मच मोर कम्फर्टेबल नाउ। और मेरी क्लॉजेट क्लीनिंग की वीडियो आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी शायद, वो भी इसी में शेयर कर लूँगी। एक दिन मैंने क्लॉजेट क्लीन की थी, वो वाला व्लॉग एक्चुअली आपने देख लिया, पर क्लॉजेट क्लीनिंग का पार्ट मैंने उसमें अपलोड नहीं किया क्योंकि वो व्लॉग बहुत लंबा हो जाता। और या फिर एक दिन मैंने मेरी क्लॉजेट को क्लीन किया था। ऑल राइट दोस्तों, तो हिम्मत की चल रही है क्लास, मुझे डोर बंद कर देना चाहिए, आई विल बी बैक। आई डोंट नो कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं। बहुत सारे मेरे व्लॉग्स में मैंने मेरी क्लॉजेट को क्लीन किया होगा। जब मैं क्लीन करना शुरू करती हूँ तो ऐसा लगता है कि यार इसे भी रखने देती हूँ, इसे भी रहने देती हूँ, कभी पहनूंगी कभी पहनूंगी, पर मैं पहनती नहीं हूँ। पर आज हम कोशिश करेंगे सबसे ज़्यादा वो चीज़ें रखने की जो हम पहन पाएँ,
व्हाट यू गाइस थिंक, करें? सो शुरुआत करते हैं वो कॉर्नर से। मैं ज्यादातर जब भी मेरी क्लोजेट को क्लीन करती हूँ तो हमेशा सारे कपड़े बाहर रख देती हूँ। आज नहीं वैसा करूंगी क्योंकि फिर मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। जो कपड़े बहुत ज्यादा गर्मियों में पहनने वाले हैं उनको हम साइड पर रख के स्वेटर्स को मूव कर देंगे। मेरे जो ज्यादातर स्वेटर्स हैं वो मैंने गेस्ट रूम में रखे हुए हैं, वो वाली क्लोजेट में, तो वहां से चीजें लाई जाएंगी। आज जब मैंने दिन की शुरुआत की थी मेरा मन था कि आज मैं कोई अच्छी सी वीडियो शूट करूंगी, पर जैसे दिन बढ़ रहा है मैं आइडिया को स्किप कर रही हूँ। मेरा मन था कि मैं वीडियो शूट करूँ फॉल के लिए या विंटर्स के लिए आउटफिट्स, ज़्यादा विंटर जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम विंटर होगा उन दिनों के लिए नहीं, आजकल के विंटर्स के लिए, क्योंकि मुझे मज़ेदार लगते हैं आउटफिट्स और बहुत सारे आप पूछते भी रहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो मैं सोच रही थी कि आज ऐसी कोई वीडियो बनाऊंगी, पर मुझे लगता है कि अब मैं स्किप करने वाली हूँ। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं और फिर आउटफिट निकाल लेंगे और प्लान कर लेंगे। यार प्लान करके चीज़ें करने ज़्यादा आसान लगती है, पर कई बार क्या होता है कि प्लान करते रहो और चीज़ें होती नहीं है। तो आज मैं आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ कुछ कुछ आउटफिट और डिसाइड कर लेते हैं हम सभी साथ में। ओके, हैंगर्स को साइड में रखते हैं। सो ये एक बहुत ही प्यारी ड्रेस है जो आई थिंक मैक्सी है। यस इट इज। सो ये मैक्सी ड्रेस है जिसकी आर्म्स कुछ ऐसी हैं और ये मैंने ली थी लकी ब्रांड से। अगर आपको पता होगा कि मैं अब बहुत ज़्यादा छोटी ड्रेसेस नहीं पहनती हूँ, पता नहीं क्यों, ये मैंने ली थी 2 साल पहले, एक भी बार पहनी नहीं है। मुझे अच्छी लगती है यार, ये पहनूंगी कभी तो पहनूंगी। रखते हैं इसको। ओके, व्हाट इज दिस? ओह एक्चुअली एक ड्रेस है जिसको मैं थ्रिफ्ट स्टोर से लाई थी, क्लीन कर लिया था इसको मैंने, क्योंकि मैं इसको ऑर्डर करके स्कर्ट बनाना चाहती थी ब्लैक। ये ऊपर जो फैब्रिक है वो अच्छा नहीं है, जो नीचे वाला फैब्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और ये मेरी अच्छी ए लाइन की स्कर्ट बन जाएगी, इसलिए मैं ये लाई थी। और इसको हम रख लेते हैं ऑल्टर वाले पाइल में कि इसको ऑल्टर करना है। ऑलराइट, दिस ड्रेस को मैंने बहुत बार पहन लिया है, आपने भी देखा होगा। ये मैंने ली थी कहाँ से, फॉरएवर 21 से ली थी, और ये मैंने एक्चुअली ली थी डिज्नीलैंड जाने के लिए और वहाँ पे मैंने पहनी भी थी कई बार, और वैसे मैंने घर में भी कई बार पहनी है, पर मुझे लगता नहीं अब फिलहाल ये पहनी जाएगी। क्या करें, उन्होंने देते हैं बेचारी कोने में, क्या परेशान कर लिया। सी ऐसे होता है मेरे साथ। ओके, ये है येलो ड्रेस जो मैंने ली थी। सो ये ड्रेस मैंने ली थी अमेजोन से, ब्लैक ड्रेस। इसका फैब्रिक लाइक दुनिया का सबसे अच्छा फैब्रिक नहीं है, लाइक बहुत कंफर्टेबल नहीं है, पर मैं चाहती थी कि मैं मिनी माउस जैसी कोई ड्रेस लूँ जो कि मेरी पिक्चर में अच्छी दिखे, तो मैंने ये ली थी अमेजोन से। 2025 में आई होगी ये, लार्ज साइज़ है। इसकी पिक्चर मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी क्योंकि ये मुझे इसकी फिटिंग बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि ये मुझ पर अच्छी लगती है, और नी से नीचे थी लाइक लेंथ जो मुझे अच्छी लगती वैसी थी, तो इसी की सेम मैंने येलो भी ले ली थी और ये भी मैंने काफ़ी बार पहनी। ओके, आगे क्या है? ओह, ये है ट्रेंच जिसको मैंने कभी नहीं पहना है। ये मैंने लिया है डायनामाइट से, पर होपफुली जो मैं फॉल की स्टाइलिंग वीडियो बनाना चाहती हूँ उसमें मैं इसे पहनूंगी। इसी के साथ मैंने 2 और लिए थे, एक तो ग्रीन है, इसे मैंने कई पिक्चर्स में पहना है, और एक ये न्यूड शेड का है। ये ऑल डायनामाइट ब्रांड से हैं। एंड ये भी एक मेरे पास अच्छा ट्रेंच है जो कि फॉर एवर 21 से लिया है, मैंने कभी नहीं पहना है, ये भी मैं इस कमिंग फॉल वीडियो में पहनना चाहूँगी। तो इसको अलग साइड से रख लेते हैं क्योंकि वो चीज़ें मैं पहनूंगी, और ये जो इस कॉर्नर में हम चीज़ें लगाएंगे उसे हम नहीं पहनने वाले फिलहाल के लिए। ऑलराइट, सो दिस इज द ड्रेस जो मैंने ली थी फॉर एवर 21 से। ये भी आपने बहुत बार देखी होगी, इसकी भी मैं कोई पिक्चर आपके साथ शेयर कर दूंगी। उल्टी है ये, असल में ऐसे रंग है इसके, और इसकी जो स्टाइल है अच्छा है, लेंथ है अच्छी है एंड फिटिंग भी अच्छी है, तो कभी ना कभी तो पहनेंगे। और जो एम्प्टी हैंगर्स हैं उनको साइड पर रख लेते हैं ताकि जब मैं क्लोजेट में आके चीज़ें ऑर्गेनाइज करती हूँ ना, या तो मुझे छींके लग जाती हैं लाइक स्नीज करना शुरू कर देती हूँ, मैं कफ होना शुरू हो जाता है क्योंकि कपड़ों पर डस्ट होती है मैम, अब जितना भी इनको मूव करें डस्ट रहती है। बहुत समय लगेगा तो आपको मैं ज़्यादा देर नहीं रखूँगी। और मेरी और मेरे हस्बैंड की कई बार इस बात पे बहस होती है कि गर्ल्स ये वाले आउटफिट तो हम दोबारा से पहन लेते हैं, पर हम जो इंडियन आउटफिट्स हैं वो दोबारा नहीं पहनते। मेरे हस्बैंड को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि ऐसे नहीं होता है कि तुम ही सिर्फ ऐसे करती हो, बाकी लड़कियाँ ऐसे नहीं करती होंगी। प्लीज़ नीचे बताना कि आपके साथ भी ऐसे होता है। मेरे हस्बैंड को लगता है कि सिर्फ मैं ही ऐसे करती हूँ कि इंडियन आउटफिट दोबारा पहनने से मैं मना करती हूँ कि नहीं मैं नहीं पहनूंगी। हम ऐसे करते हैं कि उस इवेंट पर पहन ले जहाँ पे लोगों ने देखा है, तो दूसरी बार दूसरी जगह पहने जहाँ पे लोग अलग होंगे। मेरी मम्मी भी ऐसे करती थी कि या ये सूट वहाँ पे पहन लेंगे, वहाँ पे कौन सा वो सेम लोग आने वाले हैं। आप भी ऐसे करते हैं, मेरे हस्बैंड को लगता है कि मैं ही पागल। यार अजीब लगता है कि सेम ही सूट बार बार कैसे पहन सकते हैं हम लोग। Oh, 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 oh
Anyway, so I'm back. Himmat kha raha hai snack and I'm watching Golden Girls. I don't know, I'm crushing on them these days. So actually, मैं हमेशा से पुरानी चीजों की बहुत फैन हूँ, तो आजकल उनकी फैन हो गई मैं. So yes, हम लोग कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लीनिंग के साथ, बट मैंने डिसाइड किया है कि हम डिस्कशन नहीं करेंगे. नीचे नहीं फेंकूंगी, पर उसके बिना होगा ही नहीं. सो लेट्स डू दिस. नीचे वाले कपड़ों को मैंने ऑलरेडी अरेंज कर लिया है एंड अब ऊपर वाली शेल्फ को कर दी. ऑलराइट दोस्तों, सो बहुत अच्छी तरह क्लीन हो चुकी है मेरी क्लॉजेट. ओह सॉरी, बैग वाला एरिया नहीं किया है मैंने, पर ये सारे कपड़ों को ऑर्गेनाइज कर दिया गया है. फ्लोर भी अच्छी तरह क्लीन है और वो शेल्फ से बहुत चीज़ें मैंने निकाली हैं, कुछ डोनेट करने के लिए, कुछ गार्बेज के लिए. और इसी के साथ एज द डोनेशन मैंने इस क्लॉजेट को भी क्लीन कर दिया है. थोड़ी सी और ज़रूरत है इसको क्लीनिंग की, बट फिलहाल के लिए आई थिंक इट्स ओके. इसमें से बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें निकली हैं, सो या आई एम हैप्पी विद दिस नाउ. क्लॉजेट क्लीन करने के बाद जब मैंने लिनन क्लॉजेट को क्लीन किया, तो क्लॉजेट को क्लीन करके मुझे ये टॉप मिला. ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कोई ज़्यादा खासियत नहीं है. मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत समय पहले मैंने लिया था, 2014-15 में लिया होगा गैप से, और मैं इसको इतना ज़्यादा पहनती थी कि मैं एक टाइम मैं बोर होगी, और जब मैं किसी कपड़ों से बहुत ज़्यादा बोर हो जाती हूँ, मैं पहनना बंद नहीं करती हूँ, फिर मैं उनको एक बैग में डाल के दूर रख देती हूँ, फिर मैं देखती हूँ कि मैं उनको मिस कर रही हूँ या नहीं. अगर मैं उनको मिस नहीं कर रही होंगी तो फिर मैं उनको डोनेट कर देती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ मेरी जो क्लॉजेट उसमें बहुत ज़्यादा क्लटर रहता है. सो जैसे मैंने लिनन क्लॉजेट को क्लीन किया, मुझे ऐसे बहुत सारे कपड़े मिले जो मैंने छुपाए हुए थे कि मुझे याद आते हैं या नहीं. ये टॉप मुझे बिल्कुल याद नहीं आया था, पर उसको देख के मज़ा आ गया, फिर मैंने फिर से पहनना शुरू कर लिया, क्योंकि इसकी स्लीव्स लंबी हैं और गला छोटा है. मुझे छोटे गले वाली चीज़ें अच्छी लगती हैं. सो या मुक्ति गल है कि मैंने इसको फिर से पहन लिया है. अब पता नहीं और कितनी देर पहनूंगी. इस टॉप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, इसका फैब्रिक बिल्कुल परफेक्ट है, कोई भी बोरशोर नहीं है. सो या दैट्स दैट. अब बातों को कम करते हुए नीचे जाते हैं, कुछ हिम्मत को खिलाती हूँ, कुछ मैं खाती हूँ एंड फिर मैं वीडियो को एडिट करना शुरू करती हूँ. हिम्मत खाएगा फ्रूट, क्योंकि उसने लंच ब्रेक में फ़ूड खा लिया था, उसने ब्रेकफास्ट में भी खा लिया था, और वो फ्रूट्स खाएगा. उसे एप्पल अच्छा लगता है खाना. मैं खाऊंगी पीच, मुझे पीच का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है. पीच फ्लेवर की ड्रिंक्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं. सो या पीच खाऊंगी. ओके लेट्स गो. ऑलराइट दोस्तों, फ्रूट्स को रखने के लिए जो मेरे पास लंबे बॉक्सेस थे पहले इस किस्म के, उनको मैंने थैंक यू मीमी सो उनको मैंने चेंज करके इसके बड़े में बड़े कर लिए हैं. कुछ काफ़ी ज़्यादा फ्रूट आ जाते हैं और एक ही लाइन में दो आ जाएंगे. उसमें मैंने लेमन एंड लाइम रखे, मेरे पीचेस भी उसमें हैं. सो ये थोड़ा छोटा था और इतना एरिया वेस्ट होता था, और अब ये पूरा आ गया है. ये अगर आप जानना चाहते हैं मैंने कहाँ से लिए हैं, ये मैंने लिए हैं विनर्स से, नॉट विनर्स, होम सेंस. सो या दैट्स माई लिटिल फ्रिज ऑर्गेनाइजिंग स्टोरी, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड. वैसे क्या है कि जब हिम्मत की क्लास चल रही होती है तो मैं सब्जी और चीज़ें कुक कर लेती हूँ, जो भी हमारा डिनर होता है, पर आज मैंने ऐसा नहीं किया है क्योंकि मैं बिजी थी चीज़ें करने में अदर. सही है. हिम्मी, यू वांट टू ईट एप्पल? नो, देन यू इन ट्रबल. You have to
have no other option. Yeah, that is the option to go in the basement and time out. Okay, then I give you kissy. Okay, chal apna apple le. Aaja. There you go, sweetie. Thank you, mama. You're welcome. और मैं मेरा पीच ऐसे ही खाऊंगी, ऐसे खाने में ज्यादा मजा आता है। सो अब मैं करना शुरू करूंगी एडिट ब्लॉग को, और मेरी कोशिश है कि जो भी मैंने अच्छी अच्छी मेरे पास चीजें हैं शेयर करने के लिए, वो एक ही ब्लॉग में आपके साथ मैं शेयर कर दूंगी, ताकि सारी चीजें कवर हो जाए। Dreams can last forever. 'Cause I'd still dream of you and waking up together is like heaven made for two. All the other guys got cash for days. I don't really care 'cause. Okay, so husband's home. I'm making cha for husband, and husband got a new thing. Google. And it's connected to the phone. It's connected to the phone. Then we can do anything. ओके, सो हस्बैंड गूगल लाए हैं और उसको वो अरेंज कर रहे हैं, और हिम्मत इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, उसे लगता है कि गूगल सारे काम कर देगा। मुझे बोल रहा था कि अब तुम्हें कुकिंग में हेल्प करने के लिए गूगल आ रहा है, चिंता मत करो, अब तुम्हारी हेल्प हो जाएगी। गूगल, could you help me for my mommy to cook? I understood. Could you help me for my mommy to cook? Is that right? Yes. I like to help, but you'll always be the chef. She said you'll be chef. I just talk. I am the chef. Kind of my chef. Hey Google. But we're silent in the middle of the night. I go to the bathroom. I don't know where the bathroom. La. Kar de raha hai Google. ਬਹੁ ਕਹਿੰਦਾ ਗੂਗਲ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਾਇੰਸ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੇ ਬੀ ਇੱਕ ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਹੋਵੇ ਸਾਇੰਸ, ਵੇਖ ਸਾਇੰਸ ਵੇਖਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੇ ਗੂਗਲ, ਪਲੇ ਸੁਟਮੂਸੀਆ ਦਾ ਸੰਗ। ਓਕੇ, ਪਲੇਇੰਗ ਅ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਟੂ ਮੂਸਿਕਾਸ ਇਨ ਫੈਂਟਸ ਔਨ ਸਪੋਟੀਫਾਈ। ਦੈਟ ਸੰਗ ਅਗੇਨ, ਦ ਜੀਤ ਸੰਗ, ਪੁੱਟ ਦ ਜੀਤ ਸੰਗ। ਆਲਰਾਈਟ, ਹੇਅਰਸ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਜ ਔਨ ਸਪੋਟੀਫਾਈ। ऑलराइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा, अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बार में जरूर बताएं कि आपको मेरे चैनल पे और क्या देखना है, लाइक कौन सी वीडियो आप चाहते हैं कि मैं शूट करूँ, सो हम उस पर जरूर काम करेंगे। मुझे मेरे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, मैं मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और बिल्कुल मत भूले दोस्तों, यू गाइज आर ब्यूटिफुल द वे यू आर, स्टे हैप्पी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग, यू गाइज कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग। All you have to do is think about it and take action. That's it. Easy peasy, lemon squeezy. Bye, Lalu. Oh, actually, मैं जल्दी ही शूट करने वाली हूँ व्हाट आई ईट इन अ डे, क्योंकि आजकल जो मैं खाती हूँ वो मैंने बिल्कुल चेंज कर लिया है। So yeah, stay tuned for that. Coming soon. Yeah. That's it. Bye.